ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुल्लू में हुए बस हादसे को लेकर मीडिया ने ऊना में बिना फिटनेस के दौड़ रही बसों को लेकर मीडिया ने एक खबर प्रमुखता से दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है और जिला पुलिस ने एक दर्जन के करीब प्राइवेट व सरकारी बस को बिना कागजात व बिना टैक्स व बिना अनफिट होने के कारण बॉन्ड किया है और उनसे भरकम जुर्माना भी वसूला गया है। कुल्लू में हुए बस हादसे को लेकर मीडिया ने ऊना में बिना सर्टिफिकेट के दौड़ रही बसों को लेकर एक खबर प्रस्तुत की थी। खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई कर दी है। जिला पुलिस ने एक दर्जन के करीब प्राइवेट व सरकारी बसों को बिना कागज व बिना टैक्स और अनफिट होने के कारण बाउंड किया है और उनसे भारी भरकम जुर्माना भी वसूला है। वहीं कार्रवाई होते देख कुछ ट्रांसपोर्टरों ने अपनी गाड़ियों को आज रूट पर नहीं निकाला और आसपास खड़ी कर दी। आज एक बस हिमाचल सरकार की और एक बस पंजाब रोडवेज की है जिनको बिना कागज के पकड़ा गया। वहीं पुलिस अपनी कार्रवाई को लगातार जारी रखे हुए हैं। पुलिस की माने तो ओवरलोडिंग को जिला में सहन नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जारी रहेगी। पुलिस द्वारा ओवरलोडिंग को चेक करने के लिए पहले से जिला में बयान छेड़ रखा है। इसी कड़ी में पुलिस ने कल तकरीबन 5 थाना आम में और ऊना में टोटल 5 गाड़ियां जो वो जब्त की हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कुछ परमिट लाइसेंस या और डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसके अलावा पुलिस ने आज ऊना शहर में ही 2 गाड़ियां बॉन्ड की हैं। एक HRTC की बस है, पैसेंजर व्हीकल, और एक हरियाणा रोडवेज की बस है। और इसके अलावा पुलिस ने 18 बसों के चलान किए हैं जो कि किसी के पास परमिट नहीं है, किसी के पास इंश्योरेंस। तो पुलिस जो है वो ओवरलोडिंग जो बसेस कर रही हैं या स्कूल बसेस कर रही हैं या प्राइवेट टैक्सीज कर रही हैं उसके लिए पुलिस सख्त है ताकि किसी भी तरह की कोई जान माल का नुकसान ना हो। वहीं लोगों ने इस मामले को उठाने के लिए मीडिया का धन्यवाद भी किया। मीडिया ने RTI की रिपोर्ट के आधार पर ऊना में 30 के करीब बिना फिटनेस के दौड़ रही बसों का मामला उठाया था जिसके बाद प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की है। पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मीडिया ने ये खबर बड़े जोर शोर से उठाई जिस कारण प्रशासन जो हमारा हरकत में आया है। और मैंने अभी देखा है प्राइवेट बसेस भी बॉन्ड की गई हैं और सरकारी भी उसमें बॉन्ड की गई हैं जो बिना कागजात पाई गई हैं। बहुत ही अच्छा कदम उठाया है मीडिया के कहने से ही, मीडिया के जो मीडिया ने ये कदम उठाया था उस कारण ही प्रशासन हरकत में आया, नहीं तो प्रशासन आज तक नींद कुम करने की नींद सोया हुआ था। पर देखने में ऐसा आ रहा है कि जो मतलब ज्यादातर गाड़ियां डिफॉल्टर हैं उन्होंने अपने गंतव्य स्थान पर ही कहीं गाड़ियां छुपा दी हैं जो प्रशासन को और पुलिस को नहीं मिल रही हैं जिस कारण जनता को भी परेशानी आ रही है। तो मैं जनता से भी यही अपील करना चाहूंगा कि जनता भी प्रशासन का पूरा सहयोग करे क्योंकि ये जो कदम उठाया जा रहा है ये सिर्फ जनता की सेफ्टी और जनता की खुशहाली के लिए उठाया जा रहा है।